वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर, इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैंने बताया आपको, मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को डिफेम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, सिर्फ नॉलेज नहीं है। वो इस सिस्टम में आते हैं और रातों रात अर्न करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक रात में कुछ नहीं हो सकता। आप सभी को पता है कि ताजमहल को बनाने में कई सौ साल लगे, कई हजारों मजदूरों ने काम किया, और जितना टाइम ज्यादा लगा उतने ही उसकी नींव बहुत मजबूत हुई, फाउंडेशन बहुत मजबूत हुआ। इसी तरह से इस बिजनेस में आप आते हैं तो ऑब्वियसली आपकी फाउंडेशन मजबूत अगर होगी, जितनी फाउंडेशन आपकी मजबूत होगी उतना ही आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इस सिस्टम में लोग आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप और हम या बहुत सारे लीडर्स कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे होंगे, चाहे वो कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे अपना उनका कोई बिजनेस होगा। लेकिन आज सभी को पता है कि नेटवर्किंग को छोड़कर अगर हम किसी और ऑप्शन के पास जाते हैं तो वहां से हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, सिर्फ जरूरतें ही हमारी पूरी हो रही हैं। बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं ये कह सकता हूं कि आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपकी सिर्फ जरूरतें ही पूरा हो रही हैं, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कुछ काम करना होता है, इथिकली हमें चलना होता है, हमें कुछ अडॉप्ट करना होता है, और हमें उस ट्रैक पर चलना होता है जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स सक्सेस हो गए हैं। हमें टीम बिल्ड करनी होती है, और टीम बिल्ड करने के लिए हमें ऑब्वियसली सीखना होता है, और तभी हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। यहाँ एक आप पढ़ पा रहे हैं बिग मनी बिग वॉल्यूम, कि अगर हम यहाँ से बहुत अच्छी इनकम लेना चाहते हैं, बिग अमाउंट बिग मनी अर्न करना चाहते हैं, तो वी हैव टू क्रिएट ए बिग वॉल्यूम। और बिग वॉल्यूम कहाँ से आएगा ये आप सभी को पता है, बिग वॉल्यूम बिग टीम, कि जितनी बड़ी हमारी टीम होगी उतना ही बड़ा हमारा वॉल्यूम होगा। और माय डियर फ्रेंड, जितना बड़ा हमारा वॉल्यूम होगा उतना ही बड़ा हमारा चेक होगा। कि आप अपनी टीम साइज को बढ़ाओ, उसमें वॉल्यूम्स क्रिएट कराओ, और फिर देखो कि यहाँ क्या चमत्कार होता है, कि आपकी जो मनी थी, आपका जो पे आउट था, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू क्रिएट ए बिग टीम। इफ यू वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी, यू शुड हैव टू क्रिएट ए बिग वॉल्यूम, एंड बिग वॉल्यूम कम्स फ्रॉम बिग टीम, बिग वॉल्यूम कम्स फ्रॉम बिग टीम, बिग मनी कम्स फ्रॉम बिग वॉल्यूम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिग मनी कम्स फ्रॉम बिग वॉल्यूम एंड बिग वॉल्यूम कम्स फ्रॉम बिग टीम। तो हमें अपनी टीम को बिल्ड करना होगा, हमें एक बहुत अच्छी बड़ी टीम जनरेट करनी होगी। लेकिन टीम जनरेट करने के लिए और उसमें बिग वॉल्यूम करने के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी है, वो आपको जरूर एक्सेप्ट करनी होगी। कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, कुछ रूल्स हैं उसको आपको जरूर शेयर करना होगा। यस, आप देख पा रहे हैं एजुकेशन सिर्फ नेटवर्किंग में नहीं, एक इंसान की लाइफ में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। लेकिन सही एजुकेशन अगर मिलती है, प्रॉपर तरीके से आप उसको ले पाते हैं, तो डेफिनेटली योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म। दिस बिजनेस इज डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, ये बिजनेस एजुकेशन पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी एजुकेशन होगी उतना ही अच्छा आप अपने टीम को बिल्ड कर सकेंगे, उतने ही अच्छे आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ट है। आप सभी को पता है कि वेस्टीज सिस्टम में, वेस्टीज मैनेजमेंट ने हमें एजुकेट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स यहाँ क्रिएट कर रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन हमें मिल रही है। CNT मीटिंग, सेमिनार्स, बहुत तरह की यहाँ ट्रेनिंग समय अटेंड करने का मौका मिल रहा है। और अब तो हम इतने खुश नसीब है कि कोरोना जैसे पैंडेमिक में जो घर से बाहर नहीं निकल रहे, फिर भी हमें एजुकेशन मिल रही है घर बैठे, वो भी बिल्कुल फ्री। जहां 250 रुपए 400 रुपए आप एजुकेशन के लिए देते थे, सेमिनार मीटिंग्स अटेंड करते थे, वहां आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो एजुकेशन अगर आप अच्छी यहाँ से ले पाएंगे तो तभी आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर पाएंगे। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने आप में वेल एजुकेटेड जरूर होते हैं, लेकिन इस फील्ड के मास्टर नहीं होते।
वो समझते हैं कि हमें बहुत सारी नॉलेज है, हम ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, तो हमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट एजुकेशन यू कांट ग्रो इन योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस में ग्रो कर ही नहीं सकते। आप अपनी किसी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में आकर जीरो हैं। यही चीज मुझे मेरे अप्लायंस ने सिखाई और मैंने भी अपना जो दिमाग था उसको साइड में रख दिया और यहाँ फॉलो किया एक एजुकेशन सिस्टम को, और एजुकेशन को फॉलो करते 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 और फिर आगे में बढ़ता गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एजुकेशन को आपको फॉलो करना है। बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ से आपको मिल रही है। हमारे ग्रेट्स अपलाइन, हमारे मेंटर्स हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। हमें उस एजुकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी टीम को भी एजुकेट करना चाहिए। सेकेंड थिंग है लर्निंग। यस, लर्निंग मोर अर्निंग। यू नो वेरी वेल कि जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग होगी उतना ही ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग होगी उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो यहाँ एजुकेशन के बाद जो आपको सिखाया जाता है उसको आपको सीखना है, लर्न करना है, और वही क्या करना है, लर्न डू, लर्न टीच, लर्न परफेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, उसको सीखना है और उसको करना है, उसको सीखना है उसको करना है, लर्न डू, लर्न टीच, और उसको सीखकर फिर डुप्लीकेशन कराना है, फिर डुप्लीकेट कराना है, फिर आप परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। जैसा आपको पता है कि अगर हम अच्छी एजुकेशन नहीं लेंगे तो अच्छी लर्निंग हमें होगी नहीं, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और हम सीख नहीं पाएंगे तो अपनी टीम को नहीं सिखा सकते। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमें क्या लर्न करना है। यू हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न हाउ टू शो द प्लान। लोगों को प्लान दिखाना ही नहीं आता, किस तरह से हम प्लान दिखाएं, कैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं, कैसे हम एंडिंग कर रहे हैं, क्या कुछ बताएं, वो एक घंटे डेढ़ घंटे प्लान शो करने में लग जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमें प्रोफाइल में कितना टाइम लेना है, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज किस तरह से देनी है। वो डॉक्टर बन जाते हैं और वो बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी हम देना चाह रहे हैं लोगों को उससे कहीं दूर चले जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें सीखना होगा हाउ टू शो द प्लान। अपनी टीम के अंदर प्लान कैसे शो करें वो हमें ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, और ये तभी हो पाएगा जब हम ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स का हिस्सा बनेंगे, अपने अप्लायंस के टच में रहेंगे, उनसे हम कुछ ना कुछ सीख करेंगे। सेकंड थिंग आती है कि प्रोडक्ट नॉलेज कैसे दें। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं देनी आती, उनको पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट के बारे में हम क्या बताएं, बिकॉज ऑफ कि वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड यूजर 100%। आपको 100% यूजर बनना चाहिए, प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, उसी के बाद आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है बिजनेस बेसिक। बिजनेस बेसिक में बता ही नहीं पाते वो लोग, बहुत सारे लीडर्स अभी भी बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी हम देना चाहते हैं सामने वाले को, हम प्रोस्पेक्ट को हम जो कुछ बताना चाहते हैं इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में, हम प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट प्रोफाइल में उलझ जाते हैं और एक बिजनेस जो हम उनका ग्रो कराना चाहते हैं वो हम नहीं बता पाते। एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्लान शो में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, हम बहुत बड़े बड़े वर्ड्स को यूज करते हैं, हम इस तरह से प्लान शो करते हैं कि वहाँ डेढ़ घंटा हमें लग जाता है, और बहुत डिफिकल्ट यहाँ वर्ड्स हम यूज करते हैं। सामने वाला यही सोचता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, आपके साथ पास नॉलेज है, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, जितना हो सके सिंपल आपको अपना प्लान शो करना है, जितना हो सके सिंपल तरीके से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, शॉर्ट सिंपल एंड डुप्लीकेबल। आपको बिल्कुल शॉर्ट में करना है, सामने वाले के टाइम के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है, एंड वेरी सिंपल वर्ड में आपका प्लान होना चाहिए, एंड डुप्लीकेबल। जो आपके अप्लायंस ने आपको सिखाया है वही आपको डुप्लीकेट करना है, अपना दिमाग वहां नहीं लगाना है और वहां कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्योंकि जैसे हमारे गौतम वाली सर कहते हैं कि ऑलरेडी पहिया गोल है, अगर हम उसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड थिंग जो आती है, थर्ड जो पॉइंट्स है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर हम किसी भी चीज को डिसिप्लिन मैनर के साथ करते हैं, डिसिप्लिन में रह के करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसमें सक्सेस होते हैं, ग्रो करते हैं। विदाउट डिसिप्लिन इट इज नियरली इम्पॉसिबल, मतलब किसी भी चीज को हम पॉसिबल नहीं कर सकते, हम उसमें सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो डिसिप्लिन इज बहुत
नेसेसरी बहुत जरूरी है, नियरली इम्पोसिबल। आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग यहाँ कि अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, विदाउट डिसिप्लिन इट इज नॉट नियरली इम्पोसिबल। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें डिसिप्लिन में रहना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा, तभी हमारी टीम हमें फॉलो करेगी और वो भी डिसिप्लिन में रहेंगी। फोर्थ थिंग इज कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स। यस, लगातार 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 करते रहना, सीखते रहना और फिर वही डुप्लीकेशन अपनी टीम में कराते रहना। कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स बहुत बड़ा रोल होता है कॉन्टिन्यूटी में काम करना। वेस्टीज हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्कीम देती है, सीएनसी जिसको हम बोलते हैं, कंसिस्टेंसी स्कीम। लगातार इसी तरह से लगातार लगातार हम किसी बिजनेस में आते हैं और एफर्ट्स लगाते हैं तो डेफिनेटली हम सक्सेस होते हैं। हम प्रयास करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में अगर प्रयास करेंगे और लगातार करेंगे तो डेफिनेटली हम ग्रो हो। आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से कि यहां अगर हम रुक जाते हैं तो हम स्टॉप हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली अपने मंजिल को हम पहुंच पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पत्थर है, उसके ऊपर एक बूंद गिरती है तो वो बूंद बिखर जाती है। एक पत्थर के ऊपर बूंद गिरती है तो बूंद बिखर जाती है, लेकिन वो बूंद लगातार 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 टप 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 गिरती रहे तो एक दिन ऐसा होता है कि वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है, पत्थर टूट जाता है। तो कंटिन्यूटी में अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो डेफिनेटली इस बिजनेस में आप सक्सेस होते हैं। तो अपने एफर्ट्स को आप कंटिन्यूटी में लगाना है, लगातार करते रहना है। बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि आज हमने 2-3 CNT दी हैं, 2-3 हमने प्लान शो किए हैं, कल हम रेस्ट करेंगे, परसों हम रेस्ट करेंगे, एक सप्ते बाद कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, या एक महीने बाद कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। दे कांट ग्रो देयर बिजनेस, वो अपने बिजनेस को ग्रो कर ही नहीं पाते। माय डियर फ्रेंड्स, हम डेली खाना खाते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, हम डिनर करते हैं। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि हम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ये तीनों चीज साइड में करके आज नहीं चलो कल खा लेते हैं, कल नहीं चलो परसों खा लेते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए हम पोस्टपोन कर देते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? हम डेली खाना खाते हैं, कंटिन्यूस हम खाना खाते हैं, कंटिन्यूस हम अपनी डाइट लेते हैं। तो इसी तरह से हम कंटिन्यूटी में रहेंगे। हम एक महीने का राशन एक दिन में नहीं खा सकते, हम एक सप्ते का राशन एक दिन में नहीं खा सकते। इसी तरह से आप इस बिजनेस में जो हमें अचीवमेंट करनी है उसको आप एक दिन में कर नहीं अचीव कर सकते। तो कंटिन्यूस एफर्ट्स हमें लगाने होंगे, लगातार प्रयास करते रहना होगा, तभी हम अपने इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज कमिटमेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ग्रेट कमिटमेंट्स, हमें कमिटमेंट करना होता है और लोग अपने वर्ड से दूर चले जाते हैं, कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते, कर पाते। यस, ग्रेट इनकम, ग्रेट कमिटमेंट, ग्रेट इनकम कम्स फ्रॉम ए ग्रेट कमिटमेंट। कि आप एक कमिटमेंट के साथ इस सिस्टम में आते हैं और कमिटमेंट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट कमिटमेंट्स आप करते हैं तो डेफिनेटली आप एक ग्रेट कमिटमेंट के साथ एक ग्रेट इनकम अचीव कर पाते हैं। ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर ए ग्रेट कमिटमेंट। तो हमेशा हमें प्रिपेयर रहना चाहिए एक ग्रेट कमिटमेंट के लिए। ग्रेट कमिटमेंट आप करोगे तो डेफिनेटली आप इसमें सक्सेस होंगे। एंड लीडरशिप, सिक्स वन इज लीडरशिप। आप सभी को पता है दिस बिजनेस इज ए बिजनेस ऑफ लीडरशिप, टू क्रिएट ए लीडर इन योर डाउनलाइन। आप अपनी डाउनलाइन में कितने लीडर्स क्रिएट करते हैं ये आपकी लीडरशिप पर डिपेंड करता है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लीडर्स क्रिएट नहीं करेंगे, आप अकेले ही लीडर रहेंगे अपने टीम में, तो डेफिनेटली आप ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यू शुड हैव क्रिएट मोर एंड मोर एंड मोर लीडर्स इन योर टीम। बहुत सारे लीडर्स आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि 19 साल के लड़के लड़कियां अपने एजुकेशन के साथ साथ इस बिजनेस में है और वो अच्छे से प्लान शो करती हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। मुझे बड़ा फक्र होता है कि 19 साल के बच्चे मेरी टीम में बड़े अच्छे से अर्न कर रहे हैं, आज 20,000 रुपए अर्न कर रहे हैं, स्टार डायरेक्टर का लेवल है, सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आज ये अचीवमेंट ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लीडरशिप।
और लीडरशिप कहाँ से आती है, जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए थे, अच्छी एजुकेशन, डिसिप्लिन में रहना और मेंटर्स के टच में रहना, लर्निंग करना और लीडर्स क्रिएट करना, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स आप लगाओगे तो ऑब्वियसली आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी जो लीडरशिप स्किल्स है वो डेवलप होगी और इसी तरह से आपकी क्वालिटी को लोग फॉलो करते हैं, लोग आपके सिस्टम में आते हैं और आपको लीडरशिप क्रिएट करने की मौका देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड हैव क्रिएट ए लीडर। आप सभी को पता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा यथा प्रजा, ये संस्कृत में कहावत है कि जैसे लीडर्स आप होंगे ऐसे ही लीडर्स आपकी टीम में क्रिएट होंगे। तो यू शुड हैव ए ग्रेट लीडर्स। आपको ग्रेट लीडर बनना होगा और ग्रेट लीडर्स की कुछ क्वालिटी होती है, वो हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं सर हैं हमेशा बताते हैं, हमेशा हमें अवेयर करते रहते हैं कि ये ग्रेट लीडर की क्वालिटी होती है। आप चेक करो, चेक इन यूर सेल्फ कि आप किस टाइप के लीडर हो, क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि आप ग्रेट लीडर हो, क्या आपकी लीडरशिप इस तरह की है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको ग्रेट लीडर बनना होगा और जैसे आप लीडर बनेंगे डेफिनेटली ऐसे ही लोग आपको फॉलो करेंगे, ऐसे ही लीडर आपकी टीम में प्रमोट होंगे। तो यू शुड हैव ए ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी, डेवलप करो अपने अंदर, सीखो, सिखाओ, फॉलो करो अपने ग्रेट मेंटर्स को, तभी आपके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी प्रमोट होगी। माय डियर फ्रेंड्स, सेवंथ वन आता है फोकस। हमारे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर सतपाल अधना सर कहते हैं, हमारे एशिया के टॉप अंडर ग्रॉस के फाउंडर मेंबर फाउंडर मिस्टर सिद्धार्थ सर भी कहते हैं, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, कि जहां आपका फोकस होगा वहीं आपकी एनर्जी रिलीज होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपना फोकस कहाँ करना होगा, हमें अपने माइंड को सेट करना होगा, हमें अपना फोकस करना होगा हमारी मंजिल पर, हमारे टारगेट पर, कि हमें क्या अचीव करना है, हमें कहां तक जाना है, कहां पहुंचना है। तो आपको फोकस करना होगा और फोकस करने के लिए ये कुछ टिप्स मैंने आपको दी है कि फोकस आपका तभी हो सकता है जब आप इवेंट्स का हिस्सा बने, इवेंट्स में आए। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, पिछले 5 महीने से इतनी अच्छी एजुकेशन हमें मिली है कि जो हम पिछले 1 साल में नहीं ले पाए, घर बैठे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। डेली कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, उसका हमें हिस्सा बनना होता है। इवेंट्स में जाकर आपको पता है, इवेंट्स का हिस्सा बनकर हमें एनर्जी आती है, लीडर से मिलने का मौका मिलता है, बहुत कुछ हमें सीखने को वहां से मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। और ये कहा गया है कि अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो अपने सक्सेस अपलाइन के उंगली पकड़ लो, सक्सेस अपलाइन को फॉलो करो, वहां फोकस करो जहां वो वर्क कर रहे हैं, जहां वो काम कर रहे हैं, किस तरह का वो काम कर रहे हैं, कैसी मीटिंग CNT सेमिनार्स वो कर रहे हैं, कैसी एजुकेशन आपको दे रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फोकस ऑन इवेंट्स, ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में आप फोकस करो, अपनी टीम को कनेक्ट करो सेमिनार CNT मीटिंग से, इवेंट्स से। हम लोग इवेंट्स में नहीं पहुंच पाते और बहुत कुछ हम नहीं देख पाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपना फोकस आपको इवेंट्स पर लाना है, डेवलप पीपल्स, पीपल्स को डेवलप करना है। मैं पहले भी कह चुका हूं लेकिन दोबारा से कह रहा हूं कि जो आप इवेंट्स में सीखते हैं वहां आपको इसी तरह से अपने टीम में लर्निंग देनी है और पीपल को डेवलप करना है। आपकी टीम में अगर आपके लीडर्स डेवलप होंगे, उनका पे आउट अच्छा आएगा, तो डेफिनेटली आपकी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि कंपनी का ये मानना है इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस, कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। आपके टीम लीडर्स अगर सक्सेस हो रहे हैं, उनका बड़ा पे आउट आ रहा है, उनका चेक अच्छा आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका भी चेक ग्रो करेगा। ये सब कैसे पॉसिबल होगा, जब आप डेवलप करोगे पीपल को, मीन्स कि अपनी टीम में लीडर्स को, उनके बिजनेस को ग्रो कराओगे, उनको अच्छी एजुकेशन दोगे, उनको एक बिग टीम क्रिएट करने का मौका आप दोगे, उनको बताओगे हाउ टू क्रिएट ए बिग टीम, हाउ टू क्रिएट ए बिग वॉल्यूम। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां हमें डेवलप करना होगा पीपल्स को, अपने लीडर्स को, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यू हैव टू क्रिएट ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कि हमेशा आपको
डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली इसको इंप्लीमेंट भी करना होगा अपनी टीम के साथ। और डिसिप्लिन कब होगा, जब एक लीडर खुद डिसिप्लिन में रहेगा तभी वो अपनी टीम में डिसिप्लिन क्रिएट कर सकता है। तो यू शुड हैव ए इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कि आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना होगा और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अपनी टीम में कराना होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद डिसिप्लिन में रहोगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप खुद सिस्टम यूनिफॉर्म में नहीं होगे तो डेफिनेटली आपकी टीम भी आपको इसी तरह से फॉलो करेगी। तो सिस्टम यूनिफॉर्म में आना शुरू करो। सिस्टम यूनिफॉर्म में आप रहोगे तो आपकी टीम को भी आप कह सकते हो। CNT मीटिंग सेमिनार्स में आप आते हो तो सिस्टम यूनिफॉर्म में आप आए। तो यहाँ स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन रखना है, एटमोस्फेयर क्रिएट करना है जो अच्छा एनवायरमेंट, इस तरह का डिसिप्लिन आप क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आपकी टीम में भी एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट होगा, बहुत अच्छी डिसिप्लिन वहां होगी। वॉक द टॉक। और माय डिफेंस मैं यही कहता हूं कि जो आप कहते हैं उसको आप चले, उस पर आप चले, उसको अमल करें। बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, या एक पॉलिटिशियंस की तरह बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लोग उनको सुनते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने उन वर्ड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, वो उन वर्ड्स पर वॉक नहीं कर पाते, वो नहीं चल पाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ ऐसा नहीं करना है, हमें इवेंट्स का हिस्सा बनना है। मोर यू लर्न मोर यू अर्न, जितना ज्यादा आप लर्न करोगे उतना ही ज्यादा अर्न करोगे। और ये लर्निंग मोड्स हमें कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा इवेंट से, इवेंट्स का हमें हिस्सा बनना है। मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने किसी भी इवेंट को मिस नहीं किया। मेरे ग्रेट अपलाइन मुझे जब भी बोलते कि भाई ये मीटिंग है, ये CNT है, ये ट्रेनिंग है, यू हैव टू कम विद योर टीम, तो मैं अपनी टीम को वहां लेकर गया, मैं खुद वहां गया। अगर मेरी टीम के कोई लीडर्स वहां नहीं पहुंच रहे, मेरी टीम के कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं रुका कि वो जाएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं, ये बिजनेस मेरा है, मुझे सीखना है। तो इसलिए हमेशा आप खुद टीम इवेंट्स का हिस्सा बने। डेवलप पीपल, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड वॉक द वे। माय डियर फ्रेंड्स, आप कुछ ये टिप्स थे जो मैंने आपको दिए, अगर इनको आप अपने इस बेहतरीन बिजनेस में, अपॉर्चुनिटी में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जरूर आपने नोट डाउन किए होंगे या आपने यहाँ स्क्रीनशॉट लिया होगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू पॉप सर, एंड थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू विनीत जी, आपने वंडरफुल ट्रेनिंग दी, लोगों को सुबह सुबह जो है एक बेहतरीन ट्रेनिंग देने का प्रयास किया। बिल्कुल कहा कि बिग मनी बिग वैल्यूम और बिग वैल्यूम बिग टीम। बिल्कुल, बिग टीम जब आएगी तभी हम जो है यहाँ से एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और फिर आपने यहाँ पे लर्निंग की बात करी, और वास्तव में क्योंकि लर्निंग का होना बहुत जरूरी है, जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम लोगों को सिखाएंगे क्या, जब सीखेंगे तो फिर उसको हमें डू टीच और परफेक्शन, यानी कि आपको करना भी पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और उसमें परफेक्ट भी होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, डिसिप्लिन, यानी कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे आपकी टीम भी डिसिप्लिन में रहेगी। तो डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है, अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। और आपने कहा कि कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहिए, कुछ लोग कुछ समय चलते हैं फिर नहीं चलते, तो लगातार अगर कोई भी एफर्ट्स करता है तो बिल्कुल उसका लाभ आपको होता है। जैसे कि कहा आपने कि एक बूंद जब एक पत्थर के ऊपर पड़ती है तो देर जब लगातार 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 अगर वो पड़ती है तो उस पत्थर को भी बिल्कुल तोड़ देती है। तो कमिटमेंट की बात करी आपने कि कमिटमेंट अपने आप से करें, पहले आप अपने आप से कमिटमेंट करेंगे तो आपकी टीम भी फिर कमिटमेंट करेगी। ग्रेट इनकम क्रिएट जो है, आप इनकम क्रिएट, कमिटमेंट, लीडरशिप की बात आपने कही कि लीडर्स आपके टीम में आपको क्रिएट करने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लीडर हैं तो आप भी अपनी टीम के अंदर लीडर्स क्रिएट करेंगे। तो ये लगातार लगातार आप जो है यहाँ पर इसी प्रकार से करते रहेंगे। लीडर्स टीम में ज्यादा से ज्यादा आपको लीडर्स होने चाहिए। फोकस आपका होना चाहिए, बिल्कुल इवेंट्स के ऊपर आपका फोकस लगातार होना चाहिए। क्योंकि जब आपका इवेंट्स के ऊपर फोकस होगा तो
आप वहां से सीख पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और इसी प्रकार से आप डिसिप्लिन की बात कही, वर्ल्ड टॉक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं हमें बात करनी चाहिए, हमें एक लिमिटेड बात करनी चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सकें उसके अनुसार हमें बात करनी चाहिए। अपना जो टारगेट है, हमें टारगेट भी हमें उसी हिसाब से लेना चाहिए कि हाँ हम इसको अचीव कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अचीवेबल आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट चाहे आपका कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस समय के अनुसार होना चाहिए कि हम 6 महीने का एक टारगेट बना करके चले, उसके अनुसार हम लोगों से बात करें। उसके बाद हम 1 साल का टारगेट लेकर के चले, उसके अनुसार हम लोगों से बात करें कि अब मेरा ये ड्रीम है, अब मेरा ये ड्रीम है। उस पर अगर काम करेंगे तो आपकी टीम भी ग्रोथ करती चली जाएगी और आप भी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आपकी टीम फिर आपके ऊपर विश्वास करेगी कि हाँ इन्होंने जो है ये अगर अपना जो ड्रीम बताया था वो पूरा किया है, तो उसी प्रकार से आगे का सपना भी हम बनाते चले। लेकिन कमिटमेंट हम जो करें तो वो कमिटमेंट हमारी पूरी होनी चाहिए, और वो होगी 100%। जब आप अगर काम करेंगे इस तरीके से तो बिल्कुल होगी। लगातार अगर हम प्रयास करते रहेंगे, लगातार इवेंट्स के हम आते रहेंगे, लगातार अपनी टीम को इवेंट्स में बिठाते रहेंगे, तो 100% आपकी कामयाबी मिलेगी। अब रोजाना का इवेंट्स ये सुबह सुबह आपको मिलता है, तो मॉर्निंग में जो है सुबह उठना वैसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर सुबह उठते तो फिर जब ट्रेनिंग के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं अरे सर आप सुबह सुबह जगा तो देते हो, लेकिन जब हम आते हैं ट्रेनिंग में तो हमें बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि सुबह सुबह एक सीखने को मिल जाता है। सुबह सुबह हम चार्ज हो जाते हैं कि जैसे मोबाइल को रोज चार्ज करना पड़ता है, तो ऐसे ही आप ये रोजाना की ट्रेनिंग हम सुनने से एक चार्ज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और फिर जब हम एक्टिव हो जाते हैं तो टीम में जाकर के भी हम लोगों को एक्टिव करते हैं और उनको भी बोलते हैं कि भाई हाँ सुबह सुबह आओ, लेकिन वो कमिटमेंट तो करते हैं अपने आप से कि हाँ सुबह मैं जरूर मीटिंग में आऊंगा, है ना जी, सुबह मैं जरूर मीटिंग में आऊंगी, ऐसे तो कहते हैं और कहती हैं। लेकिन सुबह जब नींद आती है ना मीठी मीठी, तो शायद उसमें उठ नहीं जाता, और वो जो मीठी मीठी नींद है वो हमें उठने नहीं देती। इसलिए मैं जब कहता हूँ कि भाई सुबह हमें उठना अच्छा नहीं लगता मॉर्निंग वॉक में, लेकिन अगर सुबह आप उठोगे और सुबह उठने के बाद अगर ये सुबह की ट्रेनिंग्स आप अटेंड करोगे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, और वास्तव में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो एजुकेशन की बात विनीत जी कर रहे थे कि वास्तव में सीखने को मिलेगा आपको, और जब सुबह सुबह सीखने का मिलेगा तो आप टीम के अंदर भी जाकर के सिखाएंगे। अब जब सुबह सीखने को नहीं मिला तो कहाँ से जो है आप आगे टीम को बता पाएंगे। रोज नई नई ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं, रोज नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, रोजाना को आप एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, तभी जाकर के आप दिन में जहां भी जाएंगे तो लोगों को अपनी टीम के अंदर उनको डेवलप कर पाएंगे, उनको वो एजुकेशन दे पाएंगे, उनको आप एजुकेट कर पाएंगे। तो यही है कि लगातार आप सीखते रहिए, लगातार इवेंट्स में आते रहिए, रोजाना रोजाना आप इसी प्रकार से आपको ये ट्रेनिंग मिलती है मॉर्निंग में, तो जरूर मैं कहता हूँ अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा टीम को इन्वाइट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करो और उनको जो है इस इवेंट में लाओ, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो पाए और आपका जो काम है वो आसान हो सके। क्योंकि आप कहाँ तक कितना दौड़ोगे आपकी भी एक सीमा है, इसलिए आपने अपने जैसे डुप्लीकेट लीडर तैयार करने हैं। और जब डुप्लीकेट लीडर जितने भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जिस टीम के अंदर जितने ज्यादा प्लानर होते हैं जो अपने आप प्लान देते हैं, वो डिपेंड ना होकर के इंडिपेंडेंट काम करते हैं, वो अपलाइन पर इतना डिपेंड नहीं होते कि अपलाइन ही हमारा आएगा तो प्लान दिखाएगा हम उनके साथ जाएंगे, तो नहीं, वो अपने आप स्वयं काम करते हैं। और मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर देखा जिन लोगों ने डिपेंड होकर के काम किया उनकी ग्रोथ नहीं हुई, वो ज्यादा बढ़े नहीं, और जिन्होंने इंडिपेंडेंट होकर के काम करा वो बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगे, बहुत तेजी से वो अपने आप में आगे बढ़ते हुए चले गए, अचीवमेंट लेते हुए चले गए और उनकी इनकम बढ़ती हुई चले गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट होकर के काम करो, अपने आप आत्मनिर्भर बनो। आप किसी के ऊपर बैसाखियों की तरह मत जियो कि हम बैसाखी के सहारे अगर चलेंगे तो हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप जो है आत्मनिर्भर बनो, और आत्मनिर्भर बन के इसके अंदर आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है, जो आपके ड्रीम है वो आपको मिलने वाले हैं, जो भी सक्सेस आप चाहते हैं वो सारी चीज आपको यहाँ से मिलने वाली है। किसी भी प्रकार का आपका ड्रीम है, हर ड्रीम आपका यहाँ से पूरा होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लगातार मैं यही कहना चाहूंगा कि लगातार आप आते रहिए इवेंट्स में और अपनी टीम को सिखाते रहिए,
और नोट्स जरूर बनाइए। जब भी कोई अगर लीडर्स आपको कोई भी बातें बताता है, वो कहीं ना कहीं से ग्रहण करता है, चाहे वो किताबों से पढ़ता है, चाहे वीडियो से सुनता है, या वो जैसे इवेंट्स होते हैं उनसे नोट्स बनाता है, तब आपको बताता है। यही काम आपको करना है, क्योंकि अगर डायरी के अंदर आप नोट्स बनाएंगे बहुत सारे नोट आएंगे। तो आप अगर नोट चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको नोट्स बनाने हैं और लोगों को भी यही नोट्स बनवाने हैं। लगातार लगातार यही काम करते रहेंगे तो जरूर 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 आपकी कामयाबी आपको मिलने वाली है। तो लगातार आप इवेंट्स में आते रहिए। और मैं चाहूंगा कुछ लोगों से भी आज की इस ट्रेनिंग के व्यूज लेना चाहूंगा। कोई भी एंगेज कर सकता है जो आज इस ट्रेनिंग में अपने व्यूज देना चाहता है। जब तक एंगेज करते हैं, तो जब तक मैं आपको अपने बीच में कोई लीडर्स है जिनसे मैं कराना चाहता हूं, अभी से खरसाना जी आज के इस ट्रेनिंग के लिए क्या व्यूज देना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड, बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग रही आज की, अभिषेक हरसाना, और बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग रही आज की। विनीत जी ने बिल्कुल चार्ज कर दिया सुबह सुबह ही, बहुत मेहनत से उन्होंने ट्रेनिंग तैयार किया और बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग तैयार की उन्होंने। और विनीत जी ने एक बात कही थी कि प्लान को इस तरह से दिखाओ ताकि सामने वाला बंदा जो है होपलेस ना हो कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लीडर इस तरह से प्लान को दिखाते हैं कि सामने वाला बंदा सोचता है यार ये तो एजुकेटेड है और ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको प्लान को दिखाना है, और बहुत अच्छा लग रहा है इस सिस्टम में। बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग्स का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे गुरु पॉप सिंह आर्य जी, और सुबह सुबह ही हम चार्ज हो जाते हैं। और इस सिस्टम के माध्यम से आप सभी के लिए खुशखबरी एक और भी है आज, और मेरे लिए भी, कि सिस्टम के माध्यम से ही और एक अच्छी सोच के माध्यम से आज एक इंटरनेशनल चैनल, न्यूज चैनल जो कि जर्मनी का न्यूज चैनल है, उस पे मेरा इंटरव्यू होने जा रहा है, जो कि आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो इसी के साथ थैंक यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू। एनी और कोई आज के व्यूज देना चाहता है इस ट्रेनिंग के विषय में, एंगेज कर सकता है? चलिए कोई नहीं, आज सभी को अच्छी लगी होगी आज की ट्रेनिंग। तो अभी सेशन को यहीं पर एंड करना चाहते हैं, और आगे रोजाना ये आपको सेशन मिलता रहेगा। आप सभी आए इस सेशन में, और आकर के आपने इस सेशन में जो ट्रेनिंग दी विनीत जी ने, उसका सभी ने लाभ उठाया। और एंड करते हैं अभी सेशन को, विश यू वेल, थैंक यू सभी का, बहुत थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू सर।